सोनू। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल उम्र है। और इनका नाम क्या है जिनके साथ बैठे हो? सुनील केडीवाल। सुनील, तो सुनील को कितने टाइम से जानते हो? 6 साल से। 6 साल से। दोनों की जाति अलग अलग है? एक ही जाति है। एक ही है? एक ही जाति है। तो घर वालों को नहीं बताया आपने कभी हमारी मैरिज करा दो? नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वे मानते नहीं है। वो मानते नहीं। तो उन्हें पता हुआ थोड़ा बहुत कुछ या नहीं? अभी पता हुआ। पता है? तो क्या कह दिया उन्होंने शादी के लिए? नहीं कराई, मना कर दिया। इसलिए आपने अपनी मर्जी से ये शादी करी है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी है जो आपने हमें प्रोवाइड की है? आपकी है ना? ठीक है। और इन्हें कितने टाइम से जानते हो? 6 साल से। 6 साल से। 6 साल का समय काफ़ी है एक दूसरे को समझने के लिए। क्यों बेटा, अच्छा लड़का है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको इस तरह? नहीं। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार। कितने टाइम से जानते हो लड़की को? 6 साल से। 6 साल से जानते हो। और शादी का लिए विचार किया, क्यों बनाया विचार? आपस में आपके अलावा भी तो घर वाले कहीं दूसरे से, एक दूसरे से शादी तो दोनों की होती कहीं ना कहीं, पर आपने आपस में शादी करने का ही क्यों विचार बनाया? क्या खास बात है उसमें? खास बात यह है कि इनके घर वाले मानते नहीं हैं। नहीं, घर वाले नहीं मानते। हाँ। भाई तुम दोनों ने डिसीजन क्यों लिया कि शादी हमें ही करनी है? क्या क्या खास लगा इसमें आपको? खास कुछ बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बता के तो देंगे मुझे, जब भी तो कराऊंगा शादी। हाँ सही है। मन मिल गया। एक दूसरे को पसंद करते हो? हाँ। कभी धोखा तो नहीं दोगे इसको? नहीं देंगे। प्यार से रखोगे इसको? प्यार से। कहाँ का एड्रेस आपका? सरदार शहर है, गिरवस्ती, वार्ड नंबर 36। ठीक है। दोनों ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके बारे में बताओ। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया आपने मैरिज के लिए? आधार कार्ड, ठीक है, मूल निवास, मार्कशीट दिया 10th क्लास की, ठीक है। आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हुए? आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट, ठीक है, एक जन्म प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके हैं और 3 डॉक्यूमेंट आपके हैं। इन डॉक्यूमेंट के बेस पर हमने एज, एड्रेस और आईडी आपकी वेरीफाई की है, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे सामने रखे हुए हैं तुम्हारे, तो इसके बेस पे आपकी दोनों की उम्र पूरी हो रही है तो आपकी लीगली मैरिज कराई जा सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आपकी मैरिज कराने का डिसीजन लिया है, पर साथ साथ आप दोनों को से ये जानने की कोशिश है कि कहीं ऐसा ना हो बाद में आपके बयान चेंज हों और फिर आप दोनों परेशान हो। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आप दोनों पूरी मर्जी से आए हो? बताओ। हाँ, दोनों मर्जी से आए हो, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक है, धन्यवाद।